अस्सलाम वालेकुम। मेरा सलाम है उन बरगजीदा हस्तियों पर, उन शहदा पर और उन कायदीन पर जिन्होंने 1947 में इस मुमलकत खुदादाद के लिए दिन रात काम किया और अपनी जानों का नजराना पेश किया। 1947 में हमने इस कुरैश पर एक ज़मीन का टुकड़ा तो हासिल कर लिया, उसकी आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन तीन वो आज़ादियाँ जो बुनियादी इंसान की ज़रूरत थी उसको अभी तक हम हासिल नहीं कर सके। वो तीन आज़ादियाँ जिनकी हमें बहुत अशद ज़रूरत है, उसके लिए हमें एक और 14 अगस्त की ज़रूरत है। 14 अगस्त तो हर साल कैलेंडर में छपता है, प्रिंट हो जाता है, लेकिन हर मुल्क के लिए 14 अगस्त की वो अहमियत नहीं है जो हम पाकिस्तानियों के लिए 14 अगस्त की अहमियत है। 14 अगस्त किसी दिन का नाम नहीं है, एक अज़म का नाम है, एक अहद का नाम है, एक उस रास्ते का नाम है जो हमें तरक्की और कामयाबी और कामरानी की तरफ लेकर जाएगा। तो एक ऐसे 14 अगस्त की हमें दोबारा ज़रूरत है जो हमें नज़रियाती ग़ुलामी से आज़ाद कर दे। वो तीन आज़ादियाँ जो हमें अभी चाहिए वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि वो तीन कौन सी और आज़ादियाँ हैं जिनके लिए हमें एक और 14 अगस्त की ज़रूरत है। कोई भी मुमलकत, कोई भी मुल्क, कोई भी अदारा, कोई भी रियासत, उसकी आज़ादी के लिए कुछ मंशूर, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो हमने ज़मीन का टुकड़ा तो हासिल कर लिया उन रहबरों के तवसत से जिन्होंने दिन रात कावशें की, लेकिन डॉक्टर इलामा इकबाल वो हाका पेश करके चले गए, दुनिया से मोहलत ना मिली। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, उन्होंने भी दिन रात मेहनत की, लेकिन खुदा ने उनको भी ज़्यादा मोहलत ना दी। लेकिन उसके बाद जो इस मुमलकत खुदादाद का हाल हुआ, जिस तरह इसको नोचा गया, इसको खाया गया, ये खुदा का लुत्फ़ कर्म है कि आज भी ये मुल्क चल रहा है। लेकिन अगर हमें कामयाब व कामरानी चाहिए तो हमें तीन आज़ादियाँ और चाहिए। वो तीन आज़ादियाँ सियासत की आज़ादी, मुल्की मईशत की आज़ादी और मज़हबी आज़ादी। हम एक ट्रायंगल में फंसे हुए हैं। हमारी सियासत का महवर अमेरिका है, हमारे मुल्क की मईशत का महवर चाइना है, और हमारे मुल्क का मज़हबी जो जिसे आज़ादी चाहिए वो सऊदी अरेबिया है। ऑन रिकॉर्ड है कि आसफ़ अली जरदारी साहेब, नवाज शरीफ साहेब और मौजूदा हमारे हुक्मरान वज़ीर आज़म इमरान खान साहेब, इन्होंने जब भी हुकूमत के लिए, इक्तदार के लिए कोशिश की तो अमेरिका की तरफ देखा, क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो हुक्मरानी है, किस पार्टी ने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करनी है उसका फ़ैसला पाकिस्तानी अवाम के हाथ में नहीं, ये अमेरिका के थिंक टैंक इसको फाइनल करते हैं। तो हमें सबसे पहले अमेरिकी तसल्लत से निकलना होगा और हमारे हुक्मरानों को अपनी अवाम के ऊपर एतमाद करना होगा ताकि हम एक आज़ाद मुमलकत के तौर पे उभर सकें। मईशत, हमारी मईशत को जकड़ा हुआ है चाइना ने। आज पाकिस्तान का कोई घर ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में चाइना की इक्तसादियात नहीं है, हर मुल्क के अंदर है, लेकिन हमारे मुल्क की मईशत को चाइना ने जकड़ा हुआ है। इस तरह जकड़ा हुआ है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री, हमारी लोकल सनत जो है उसको वो अपने पैरों पे खड़ा होने नहीं दे रहा। और तीसरी मजहबी आज़ाद ग़ुलामी है। हम जकड़े हुए हैं सऊदी मजहबी ग़ुलामी की तरफ। पाकिस्तान के अक्सरियत उलमा की किसी भी इशू में कोई भी मामला हो तो वो सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, जबकि हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, तो हमें अपनी मजहबी आज़ादी और मजहबी मामलात भी अपनी मर्ज़ी से, अपने अवाम, अपनी कौम की मर्ज़ी से बजा लाने होने चाहिए। तो दुआ करते हैं कि खुदावंद मुताल पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी मिल्लत को ये शऊर दे कि उसने इस हिते को तो आज़ाद करवा लिया, इस ज़मीन को उस तसल्लत से तो आज़ाद करवा लिया, लेकिन नज़रियाती ज़हनी ग़ुलामी को भी, उन जंजीरों को भी तोड़ना होगा। और ये जब तक उस जंजीरों को नहीं तोड़ेंगे, ये कामयाबी वो कामरानी की तरफ नहीं बढ़ेंगे,
तो हम मेहनत करते हैं, पाकिस्तान की जवान नस्ल पूरे अज़्म के साथ पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात कोशा हैं। खुदा बंदे मुतआल अपने हबीब के सदके इस मुल्क को अपना खास लुत्फ़ करम अता फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।